हाँ तुम्हें बहुत टाइम के बाद मुझे लग रहा है ब्लॉग आ रहा है, बट मैं कहीं बाहर अभी तो नहीं जा रही हूँ, पर हाँ जाऊंगी जरूर। बट आज बहुत टाइम के बाद मेरी एक फ्रेंड, अभी थंबनेल देख के आपको तो पता चला ही होगा, तो मुस्कान शर्मा जो मेरी फ्रेंड है आप जानते भी होंगे उसे, तो वो आ रही है आज मुझे मिलने। और हम ऐसे सोशल मीडिया फ्रेंड नहीं बने थे, बट ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत टाइम से हमारा प्लान चल रहा था कि हमें मिलना है, बट मैडम बहुत बिजी रहती है इसलिए नहीं मिल पाते। नहीं, हम दोनों का टाइम एक्चुअली क्लैश हो रहा था, बट उसने बोला था जब मेरे घर का काम चालू था तो उसने बोला था कि तेरे घर का काम होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, तो उसके बाद मैं तो अभी बाहर गई थी घूमने और फिर अभी आई हूँ, तो अभी 2-4 दिन से हमारा प्लान चल रहा था तो उसने बोला मैं आती हूँ, तो अभी उसकी सिस्टर और मतलब जो भी उनके साथ है तो वो आ रहे हैं और मैं उनका वेट कर रही हूँ। और सानू भी आ रही है, आज घर पे कोई नहीं, मम्मी को भी मैंने बोला मेरी फ्रेंड आ रही है, मम्मी ने बोला ओके मैं जा रही हूँ अभी बाहर, तुझे जो करना है कर। तो फिर अभी हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा स्नैक्स लाया, वो अभी हम थोड़ा वहाँ पे अरेंज करते हैं क्योंकि ऐसे बहुत टाइम के बाद मेरे कोई फ्रेंड्स घर पे आ रहे हैं ना, तो फिर इसके वजह से चलो कम मैं कोल्ड ड्रिंक्स बना, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी लाया है। मुझे ना ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स पीने की ज्यादा आदत नहीं थी, बट जब से मैं अभी लंदन से आई हूँ, ओ माय गॉड पेस्ट्री तो ऐसी कर दी मुझे लग रहा अभी गया, आई डोंट नो वो क्या मतलब, हम लोग बाहर से मैं पिज्जा भी ऑर्डर करूंगी थोड़े देर बाद, बट अभी तो मैं ऐसे ही यहाँ पे रख रही हूँ, जिनको जो पसंद है वो खा लूंगी। बोला था ऋतुजा ने तो इतना सारा लाया, आई डोंट नो ये अभी ये शायद पैक हुआ होगा, ये खोल के रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा ज्यादा मतलब फ्रिज में है तो ऐसे नहीं यार, घर पे पहली बार कोई आ रहा है तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे जो दोस्त है लाइक ऐसे अश्विन रोहित ये सब तो घर के ही है, तो उनको ऐसे इतना ज्यादा क्या बोलते हैं ऐसे मेहमान नवाजी करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, पर फिर भी मतलब ये सानी ये कोई भी निशी बिशी कोई भी आता है तो ऐसे उनको कोई नहीं, वो हाथ से लेते हैं और खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम आ रहे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने वहाँ पे सब सेटअप करके रखा है क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसे मेरे घर पे भी कोई आ रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उसको आने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम है, बट कोई बात नहीं, मेरे पास आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो मैंने सोचा है कि मैं मेरी टीम को एक्सपांड करूँ और उसके लिए मुझे कुछ टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि कॉन्टेंट राइटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, असिस्टेंट मैनेजर, और क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं, बट हाँ इंसान मज़ेदार होना चाहिए। तो ये जो मैंने हायरेक पे पोस्ट कर दी है आपको बस जाके अप्लाई करना है, और अगर आपको आपकी मनपसंद जॉब नहीं मिलती तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हायरेक पे ऑलरेडी 60,000 स्टार्टअप वो हायर कर रहे हैं। और इस ऐप की सबसे मज़ेदार बात ये है कि आपकी बात डायरेक्ट मेरे से होगी, लाइक मैं ही आपका इंटरव्यू लूंगी। तो और ऐसा नहीं कि ये इस सिर्फ मेरे लिए, बट हायरेक पे अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी बात डायरेक्ट स्टार्टअप के फाउंडर से होती है, तो बीच में कोई कंसल्टेंट का चक्कर ही नहीं है और आप स्कैम से भी बचे रहोगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से जाइए लिंक पे टैप कीजिए और हाँ बी अ पार्ट ऑफ माई टीम। अभी क्या बता दो, ये इस दिन लगा है यहाँ पे, देखो ये गिर रहा है अभी थोड़ा थोड़ा इसको बोल रही मैं निकाल लेते तो नहीं रख दे कर रही अभी गिर जाएगा, तो तू देखो 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 कुटे ती कुटे अरे तू तीरा दाखो ना मुस्कान से हाँ कौन चाहिए आपको खोलो कौन चाहिए कौन नीता शिमलकर शिलविलकर पहले अच्छे से नाम लो शिलविलकर बोलो हमें चाहिए नीता शिमलकर गलत नाम लिया है। हाय गलत नहीं लिया नीता हाय आ जाओ हाय कैसी है ओ मेरा गलत ले रहे हो आप गलत कैसे लिया शिलिम कर है मेरा नाम शिलिम कर देख अभी अच्छा गला चलो हाय चलो तुम्हारे घर पे नीचे से तुमने चॉकलेट ले ली मुझे पता है बड़े चलो आ जाओ आजा 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 अंकित तू भाई सब सनिका कैसी हो बस आप कैसे हो सब मस्त बना चल बैठ तू बस कब से आ रही है शाइनिंग कर रही है नहीं अरे मैं बैठ ऐसे भी सकती हाय कैसी है
उस दिन का तुम्हारा मेरा वीडियो देखा, मैंने इसको बोला तुम्हारी सिस्टर ही मुझे दिख रही है, बस सिस्टर दिख रही है इनको, चाय हम लोग के लिए सबके लिए चाय बना रहे हो और अंकिता एक घंटे से चाय बना रही है, ऐसे मुझे सानू ने आके बोला। अंकिता बोला सानू बोल लिया माँ अर्धा तास झाला ती चाय बनवती है बघ अंकिता अजीब बात नको पूरा चाय गिरा दिया रिगा रिगा सिखा रही है तो अभी हम लोग डांस का कर रहे हैं। यहाँ पे भी दो जन हमारे फैंस हैं जो यही है वो जो दोनों ये भी हमारी एक बातें देखे मुस्कान ने बोला है बाद में तो कोई नहीं अभी हम लोग हमारे घर वालों को थोड़ी तो मुझे भी नहीं मिलती चलो पर मैं इसको देख के कर दीजिए वापस इसको देख के मत करो 3 2 1 स्टार्ट Oh,
मैंने कभी इतना मैंने इसको यूटिलाइज कर दिया, मैंने कभी इतना यूज नहीं किया, पर मुस्कान ने आज वो उसको एकदम पूरा ऐसे कब से आई है तब से वो देख ही रही है पूरा एकदम सामने। हाँ मुझे भी यूज करना चाहिए इतना जितना मैं नहीं करती। मुझे सालू बोल रही है ऐसे कि इसको जाके देख ये क्या हरकतें कर रही है। अरे ऐसे नहीं, तुमने लगा, तुमने भी ये सोच के लगाया कि मैं इसमें पूरा दिन देखूंगी, बट नहीं हुआ था। अब मैं सोचती कि मैं भी घर पे लगाऊं बट मैं भी नहीं देखूंगी, बट यहाँ है ना तो मैं मजा करूंगी। आप तो वही हो ना मुस्कान के साथ रहते हो वही। अरे मुस्कान कहाँ पे है, कहाँ पे गई, गाँव ये कहाँ पे ये मेरा गाँव है और ये कौन है पीछे? ओ सिमरन, ओ सिमरन क्या है इसका, ओ सिमरन सैनिक है जो बॉर्डर पे अभी ये साधु का नाम इसने आज सैनिक रख दिया। मिल गई भाई, मिल गई आपकी बहन, मिल गई। स्मेल नहीं आ रहा है, यही वो पॉपलेट हम लोग चेक करेंगे पहले फ्रेश है कि नहीं। नहीं नहीं ठंडा पानी में हाथ डाल के, पानी में हाथ डाल के इसे निकाल के लाएंगे। अब देखो हाँ ये वेजिटेबल मेरे से नहीं, नहीं मैं चिकन तो छू भी सकती हूँ, खिला भी सकती हूँ, बट मैं खुद नहीं खाती। मेरे बाजू में बैठ के सब चिकन खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मुझे भी मन होता है वेजिटेरियन होने क्या, नहीं इतनी बड़ी झूठी लड़की है ये, रोज नॉनवेज खाती है, मैं हो ही नहीं सकती। वो मत करता, वो भी सबने में रियल लाइफ में नहीं नहीं रियल लाइफ में भी करता है वेजिटेरियन होने का मन। सच में नहीं मैं कर सकती, वेजिटेरियन होने का मन करता है। लेकिन इसको हर चीज एकदम मस्त तेल पे चाहिए, पापड़ भी बोलती है मस्त तेल में करना, फ्राइड राइस भी बोलती है तेल दिखना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जब से मैं बाहर से आई हूँ तो मुझे इसे बहुत ऐसे खाने का मन। सच में ना, सच में आज फ्रेश है ना, नहीं नहीं चलो, पर अगर टेस्ट से पता चलेगा मुझे। अभी हम लोगों ने खाना खाया और मैडम थैंक यू सो मच, ये हीरोइन सब बन गई जो आज से। तो आरुष तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, मुस्कुराते रहना, लव यू ऑल। और आप मुस्कुराने भी ब्लॉग बनाया तो दोनों के ब्लॉग पे अलग अलग चीजें और मजा आएगा देखना जरूर, रियल में कैसे ना एक्चुअली जो हम जैसे हैं जैसे आप मिले वैसे। और इसी बात पे मम्मी का भी कॉल आ गया रात के, क्योंकि ना 12 बज गए और इनको 1.5 घंटे की ट्रैफिक लगने वाली है, इसके लिए आई है सॉरी। क्या सॉरी, आ रहे मम्मी निकल रहे, चलो चलो। तो अभी जस्ट घर पे आई हूँ, आप देख भी सकते हो ऐसे पूरा मेरे हाथ पे भी पे लगा है। हम ऐसे बहुत ऐसे घर पे टाइम अच्छा स्पेंड किया, फिर वहाँ पे भी खाना खाने गए, बहुत मजा आया। वो ऐसे मेरे 3 साल से, मतलब मैं उसको पहले से ही जानती थी बट ऐसे मैं ज़्यादा किसी से ऐसे बात नहीं करती, बट उससे मैं कभी ऐसे मेरा अगर मूड भी ऑफ है ऐसे कुछ भी है तो मैं उससे हमेशा बातें करती हूँ, लाइक ऐसे 1-1 आवर हमारी बातें होती है, बहुत कम बट होती ज़रूर है, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। तो अच्छा लगा उससे मिलके, पर्सनली वो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू गाइज ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको भी मेरी टीम का हिस्सा बनना है तो मैंने जो लिंक दी है उस पर आप टैप करके डाउनलोड करना हायरेक्ट ऐप। और कुछ अगर आपको ये पसंद भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप हायरेक्ट पे 60,000 स्टार्टअप के फाउंडर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। और स्टार्टअप वाली लाइफ चाहिए तो जाइए और अभी के अभी डाउनलोड कीजिए हायरेक्ट ऐप, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अभी सच में रात के 1 बजे एंड मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी मैं जा रही हूँ सोने, तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, लव यू ऑल।